वंदे मातरम कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे पाठ 6 पार नज़र के, इसके लेखक थे जयंत विष्णु नार्लिकर और इसका मराठी से हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद किया था रेखा देश पांडे जी ने। यह एक कहानी थी मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की, तो इसमें अपन आज आगे पढ़ेंगे। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, पुरखे यानी पूर्वज। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम यानी जिसमें क्षमता न हो। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, यानी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रकृति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए
आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो हो, काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, अवलोकन यानी देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक एक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक एक साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कॉन्सोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था।
सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ रसीद करना यानी थप्पड़ मारना, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकतें सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्यमय है। धन्यवाद। ये थी अपने कहानी पार नज़र के।